हरे कृष्णा आप सबका हार्दिक स्वागत है ISKCON पंजाबी बाग YouTube चैनल पर ISKCON पंजाबी बाग YouTube चैनल का पर्पस है कि हम हर रोज आपके सामने ला सके भगवान के सुंदर दर्शन सुंदर कीर्तन कृष्ण कथा भजन और आने वाले नए उत्सव तो अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें धन्यवाद हरे कृष्णा श्रीमद्भागवतम नौवा स्कंद सातवा अध्याय अध्याय का शीर्षक है राजा मानधाता के वंशज और श्लोक संख्या एक से सात का आज हम पाठ करेंगे तो सात नंबर का श्लोक जो है वो बोर्ड पे लिखा है या आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं त्रैशंकवो हरिश्चंद्रो विश्वामित्र वशिष्ठयो यन्निमित्तम् अभूत् युद्धम् पक्षिणो बहुवार्षिकम् त्रैशंकवो हरिश्चंद्रो विश्वामित्र वशिष्ठयो यन्निमित्तम् अभूत् युद्धम् पक्षिणोर्बहुवार्षिकम् त्रैशंकवो हरिश्चंद्रो विश्वामित्र वसिष्ठयो यन्निमित्तम् अभूत् युद्धम् पक्षिणोर्बहुवार्षिकम् शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभ्यर्चन अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के दर्शन प्रभुपाद की त्रैशंक वह त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र विश्वामित्र वशिष्ठयो विश्वामित्र तथा वशिष्ठ के मध्य यत् निमित्तम हरिश्चंद्र को लेकर अभूत हुआ युद्धम भीषण लड़ाई पक्षिणों दोनों पक्षी के रूप में बदल दिए गए थे बहुवार्षिकम अनेक वर्षों तक अनुवाद इस प्रकार है त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र हुआ हरिश्चंद्र को लेकर विश्वामित्र तथा वशिष्ठ में युद्ध हुआ ये दोनों पक्षी के रूप में देहांतरित होकर वर्षों तक लड़ते रहे तात्पर्य विश्वामित्र तथा वशिष्ठ सदा एक दूसरे के शत्रु बने रहे पहले विश्वामित्र क्षत्रिय थे और अपने कठोर तपस्या द्वारा ब्राह्मण बनना चाहते थे किंतु वशिष्ठ उसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे इस तरह दोनों में नित्य विरोध उत्पन्न होता रहा किंतु बाद में विश्वामित्र के क्षमा मांगने पर वशिष्ठ ने उसे स्वीकार कर लिया एक बार हरिश्चंद्र ने एक यज्ञ किया जिसके पुरोहित विश्वामित्र बने किंतु हरिश्चंद्र से अप्रसन्न होने के कारण विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की सारी संपत्ति दक्षिणा के रूप में मांग ली यह वशिष्ठ को अच्छा नहीं लगा अतएव वशिष्ठ तथा विश्वामित्र में झगड़ा उठ खड़ा हुआ झगड़ा इतना गंभीर हो गया कि उन्होंने एक दूसरे को श्राप दे डाला एक ने कहा तुम पक्षी बन जाओ और दूसरे ने कहा तुम बतख बन जाओ इस तरह दोनों पक्षी बनकर वर्षों तक हरिश्चंद्र के कारण लड़ते रहे हम देखते हैं कि सौभरी जैसे महान योगी काम वासना का शिकार बना और वशिष्ठ तथा विश्वामित्र जैसे महर्षि पक्षी बने यही तो भौतिक संसार है आब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावृतन अर्जुन इस भौतिक जगत में या इस ब्रह्मांड में कोई भौतिक गुणों में कितना ही महान क्यों ना हो उसे जन्म मृत्यु जरा तथा रोग सहने पड़ते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसलिए कृष्ण कहते हैं कि यह संसार मात्र कष्टमय है दुखालयम अशाश्वतम भागवत का कथन है पदम पदम यत विपदम यहाँ प्रत्येक पग पर संकट है अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन मात्र से इस भौतिक जगत से बाहर निकालने का अवसर प्रदान करने के कारण मानव समाज के लिए सर्वोच्च वर है तो सर्वप्रथम भागवतम कक्षा शुरू करने से पहले मैं सभी भक्तों के आशीर्वाद की याचना करता हूँ विशेषकर जितने वरिष्ठ भक्त यहाँ बैठे हुए हैं उनसे ताकि मैं भागवतम पे कुछ चर्चा कर सकूं अपने शुद्धिकरण और भगवान के गुणगान के लिए
तो श्रीमद् भागवतम का ये जो अध्याय चल रहा है ये राजा मानधाता के वंशज, तो इसमें राजा मानधाता के पूरे वंशावली का वर्णन आ रहा है। तो मैं बस इसके एक चैप्टर की जो समरी है वो पढ़ देता हूँ एक बार। इस अध्याय में मानधाता के वंशजों का वर्णन हुआ है और इसी प्रसंग में पुरुकुत्स तथा हरिश्चंद्र की भी कथाएँ दी गई हैं। मानधाता का सबसे सुप्रसिद्ध पुत्र अम्बरीश था, जिसका पुत्र यवनाश हुआ और यवनाश का पुत्र हारित हुआ। मानधाता के वंश में ये तीनों पुरुष सर्वश्रेष्ठ थे। मानधाता के दूसरे पुत्र पुरुकुत्स ने सर्पगण की बहन नर्मदा से विवाह किया। उसका पुत्र त्रस्तस्य हुआ, जिसका पुत्र अनरण्य था। अनरण्य का पुत्र हरिश्च हुआ और हरिश्च का पुत्र प्राणु था। प्राणु का पुत्र त्रिबंधन हुआ, जिसका पुत्र सत्यव्रत हुआ, जो त्रिशंकु भी कहलाता था। जब त्रिशंकु ने एक ब्राह्मण पुत्री का अपहरण किया तो उसके पिता ने इस पाप कर्म के लिए उसे श्राप दिया, जिससे वह शूद्र से भी अधम एक चंडाल बन गया। बाद में विश्वामित्र के प्रभाव से वह स्वर्ग लाया गया, किंतु देवताओं के प्रभाव के कारण उसे पुनः नीचे गिरना पड़ा। तो भी विश्वामित्र ने उसे नीचे गिरते हुए बीच में ही रोक दिया। त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र था, जिसने एक बार राजस्व यज्ञ किया, किंतु विश्वामित्र ने चालाकी से उसकी सारी संपत्ति दक्षिणा में ले ली और उसे उनके अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया। इससे विश्वामित्र तथा वशिष्ठ में झगड़ा उठ खड़ा हुआ। हरिश्चंद्र की के कोई संतान न थी, लेकिन नारद के कहने पर जब उसने वरुण की उपासना की तो उसने रोहित नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। हरिश्चंद्र ने वचन दिया था कि वरुण यज्ञ के लिए रोहित की बलि दी जाएगी। वरुण ने हरिश्चंद्र को इस यज्ञ के लिए बारंबार स्मरण कराया, किंतु पुत्र स्नेह के कारण उसकी बलि देने से बचने के लिए वह बहाने बनाता रहा। इसी तरह समय बीतता गया और उसका पुत्र धीरे धीरे बड़ा हो गया। तब वह लड़का हाथ में धनुष बाण लेकर अपने जीवन की रक्षा के लिए जंगल चला गया। इस बीच हरिश्चंद्र को वरुण के आक्रमण के फलस्वरूप जलोदर हो गया। जब रोहित को अपने पिता की बीमारी का पता लगा तो वह राजधानी में वापस आना चाहता था, किंतु इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। इंद्र के कहने से रोहित जंगल में 6 वर्षों तक रहा और फिर घर लौटा। उसने अजीगर्त के द्वितीय पुत्र शुना शेफ को खरीद कर उसे अपने पिता को दे दिया, जिससे उसकी पशु बलि चढ़ सके। इस तरह यज्ञ संपन्न हुआ। वरुण तथा अन्य देवता शांत हुए और हरिश्चंद्र रोग मुक्त हो गया। इसी यज्ञ में विश्वामित्र होता पुरोहित थे, जमाग्नि अधर वायु थे, वशिष्ठ ब्रह्मा थे और अयास्य उद्गाता थे। इंद्र ने इस यज्ञ के अति प्रसन्न होकर हरिश्चंद्र को स्वर्णिम व्रत दिया और विश्वामित्र ने उसे दिव्य ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने इसका वर्णन किया है कि हरिश्चंद्र ने किस तरह सिद्धि प्राप्त की। तो श्लोक नंबर 1 से 6 का एक बार मैं तात्पर्य पढ़ देता हूँ। श्लोक क्रमांक 1, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मानधाता का सर्व प्रमुख पुत्र अम्बरीश नाम से विख्यात हुआ। अम्बरीश को उसके बाबा यवनाश ने पुत्र रूप में स्वीकार किया। अम्बरीश का पुत्र यवनाश हुआ और यवनाश का पुत्र हारित था। मानधाता के वंश में अम्बरीश, हारित तथा यवनाश अत्यंत प्रमुख थे। श्लोक क्रमांक 2, नर्मदा के सर्प भाइयों ने उसे पुरुकुत्स को दे दिया। वसुकी द्वारा भेजे जाने पर नर्मदा पुरुकुत्स को ब्रह्मांड के निम्न भाग रसातल में ले गई। इसमें बहुत छोटा सा एक तात्पर्य है, वो पढ़ देते हैं। सुखदेव गोस्वामी मानधाता के पुत्र पुरुकुत्स के वंशजों का वर्णन करने से पूर्व सर्वप्रथम यह बतलाते हैं कि पुरुकुत्स नर्मदा में किस तरह ब्याह गया, जिसने उसे रसातल ले जाने के लिए प्रेरित किया। श्लोक क्रमांक 3, रसातल में भगवान विष्णु द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने के कारण पुरुकुत्स उन सभी गंधर्वों का वध करने में समर्थ हो गया जो मारे जाने के योग्य थे। पुरुकुत्स को सर्पों से यह वर प्राप्त हुआ कि जो कोई नर्मदा द्वारा रसातल में उसके लाए जाने के इतिहास को स्मरण करेगा, उसकी सर्पों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। श्लोक क्रमांक 4,
पुरुकुत्स का पुत्र त्रसदस्यु हुआ जो अनरण्य का पिता था, अनरण्य का पुत्र हरिश्च हुआ जो प्रारुण का पिता बना, प्रारुण का पुत्र त्रिबंधन हुआ। श्लोक क्रमांक 5 और 6। त्रिबंधन का पुत्र सत्यव्रत था जो त्रिशंकु नाम से विख्यात है। चूंकि उसने विवाह मंडप से एक ब्राह्मण पुत्री का अपहरण कर लिया था, इसलिए उसके पिता ने उसे चांडाल बनाने का शाप दे दिया जो शूद्र से भी नीचे होता है। तत्पश्चात विश्वामित्र के प्रभाव से वह संदेह सर्वलोक गया, किंतु देवताओं के पराक्रम से वह पुनः नीचे गिर गया। तो भी विश्वामित्र की शक्ति से यह एकदम नीचे नहीं गिरा। आज भी वह आकाश में सिर के बल लटकता देखा जा सकता है। तो त्रिशंकु का ये इतिहास, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन ही चल रहा है श्रीमद्भागवतम का। नौवां स्कंद राजा मानधाता के वंशज, और इसके बाद दशम स्कंद की शुरुआत होगी। तो खास करके जब वंशावली वगैरह को पढ़ते हैं तो ये चीज़ हमें दिखती है कि वंशावली के वर्णन में टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद खाली नाम पे नाम आते जा रहे हैं, और फिर इन नाम से कोई खास कनेक्शन जब नहीं दिखता तो लगता है कि जितना जल्दी ये सेक्शन निकल जाए उतना अच्छा है। बट ये जो नाम है ये बहुत ही प्रमुख प्रमुख नाम है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जब इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो इसी स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग फ्रॉम द क्रिएशन, मतलब सृष्टि की शुरुआत से लेके अब तक जितने राजा आए उनका सबका स्पेसिफिक वर्णन, और बीच बीच में बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स पे उन्होंने पॉज दिया है, ब्रेक दिया है स्टोरी में। अगर आप खाली वंशावली को देखें तो वंशावली को पूरा ख़त्म करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये हार्डली अगर एक इस मैप को देखें आप तो ये 1 से 2 पेजेस में आराम से पूरा गुरु ख़त्म हो सकता है। हार्डली 1-2 चैप्टर में पूरी वंशावली का वर्णन किया जा सकता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बीच बीच में एक छोटा छोटा पॉज दे करके, रोक दे करके ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जो राजा रहे उस टाइम पे उनमें क्या क्या ऐसी ऐसी विशेषताएँ आई। जैसे पीछे भी हमने कई ऐसे प्रसंग पढ़े जो बड़े विवादास्पद लगते हैं, जैसे कि हमने देखा कि वशिष्ठ के श्राप से जो एक राजा थे उनके पुत्र जिन्होंने गलती से एक गाय की हत्या कर दी थी उनको श्राप मिला, फिर उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे प्यूरीफाई किया, फिर वो आगे बड़े और भक्ति को प्राप्त किया। उसी प्रकार से एक प्रसंग और आता था जिसमें कि विकुक्षी नाम के राजा हुए जिन्होंने अपने पिता के लिए श्राद्ध के लिए एक मीट मांस लेके जाना था, लेकिन जब मांस लेके जा रहे थे तो कुछ मांस उन्होंने खुद ही ग्रहण कर लिया। श्री श्राद्धा अधिक्रमण जी की जय, कृष्ण बलराम की जय। तो ये एक प्रसंग आता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें एक प्रसंग जो आ रहा है कि नर्मदा पुरुकुत्स को लेके गई, और फिर वहाँ पे नीचे के लोगों में जहाँ रसातल में गंधर्वों से बड़ा भीषण युद्ध हुआ था, करीब 6 करोड़ जो गंधर्व थे उनके साथ पुरुकुत्स का युद्ध हुआ, और उन्होंने वापस नागों को उनका जो लोक था रसातल वो वापस दिलाया। तो इस तरह के अगर हम जब प्रसंग देखते हैं तो अगर इन प्रसंगों को प्रॉपर आचार्यस के माध्यम से, आचार्य टीका के माध्यम से अगर हम इसको ना समझें तो ये बहुत कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है। इसलिए पुराणों की कई ऐसी स्टोरीज हैं, पुराणों की कई ऐसी घटनाएं हैं जो अपने आप में अगर इंडिपेंडेंट स्टडी है उसकी बिना आचार्यों के लाइंस में पढ़े हुए तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती है अपने आप में। और ऐसा नहीं है कि ये कन्फ्यूज़न खाली भक्ति मार्ग में लोग हैं उन्हीं के लिए है, खास करके ये जो बाहर जो खास करके बाहर के जो थिंकर्स होते हैं, जो बाहर के विचारक होते हैं, जब वो इन चीज़ों को देखते हैं तो और कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। तो कल ऐसे ही मैं जैसे प्रिपेयर कर रहा था तो एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल मिला श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी द्वारा लिखा हुआ। ये आर्टिकल का टाइटल था द भागवत, और उसमें उन्होंने बड़ा एक अच्छा पूरा कंसेप्ट बताया था कि जो रियलाइजेशंस और जो बेसिकली शास्त्रों की स्टडी जब होती है विदाउट अंडर द गाइडेंस, बिना गाइडेंस के, बिना किसी एक प्रॉपर परंपरा के, तो कितना केओस और कितना कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है समाज में। तो ही सेज, मैं इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ फिर इसको हिंदी में इसका अनुवाद कर दूंगा। द भागवत लाइक ऑल रिलीजियस वर्क्स एंड फिलोसफिकल परफॉर्मेंसेज एंड राइटिंग्स ऑफ ग्रेट मैन हैव सफर्ड फ्रॉम द इम्प्रूडेंट कंडक्ट ऑफ यूजलेस रीडर्स एंड स्टूपिड क्रिटिक्स। जो भागवत है, जो भागवत ग्रंथ है, ये एक बहुत ही प्रमुख धार्मिक कार्य है, और
इसके जो सैद्धांतिक परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत सारे लोगों द्वारा जब गलत वे में कमेंट किए गए थे तो वो एक गलत अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते थे. फिर फर्दर इसी चीज़ इस पॉइंट को बहुत एलेबरेट करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर. और फिर एक एग्जाम्पल देते हैं अपने टाइम का, कंटेम्प्रेरी टाइम का. ये एग्जाम्पल है राजा राम मोहन रॉय का, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी. और भक्ति विनोद ठाकुर खुद बताते हैं कि इनका बहुत सिग्निफिकेंट रोल था उनके खुद के जीवन में. तो लिखते हैं कि नॉट टू से ऑफ अदर्स द ग्रेट जीनियस ऑफ राजा राम मोहन रॉय द फाउंडर ऑफ द सेक्ट ऑफ ब्रह्मोइज्म डिड नॉट थिंक इट वर्थ हिज वाइल टू स्टडी दिस ऑर्नामेंट ऑफ रिलीजियस लाइब्रेरी. उन्होंने बहुत से अलग अलग ग्रंथ पढ़े, अलग अलग सारी किताबें पढ़ी, बस श्रीमद् भागवतम को नहीं टच किया कहीं ना कहीं. फर्दर बताते हैं ही क्रॉस्ड द गेट ऑफ द वेदांता एज सेटअप बाय द मायावाद कंस्ट्रक्शन ऑफ द डिजाइनिंग शंकराचार्य द चोजन एनिमी ऑफ द जैन्स एंड चर्व्ड आउट हिज वे आउट टू द यूनिटेरियन फॉर्म ऑफ द क्रिश्चियन फेथ कन्वर्टेड इनटू एन इंडियन अपीयरेंस. कहने का अर्थ कि जो भक्ति जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्होंने वेदांत से अपनी पढ़ाई शुरू की, मायावाद दर्शन को भी देखा, लेकिन पाया कि मायावाद दर्शन जैनिज्म और बुद्धिज्म के जस्ट ऑपोजिट है. उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि अब इन सबको यूनिफाई कैसे किया जाए, इनको एक यूनिटेरियन फॉर्म में कैसे लाया जाए. तो उन्होंने थोड़ा क्रिश्चियनिटी का भी सहायता लिया. जब क्रिश्चियनिटी का थोड़ा सहायता लिया तो वहाँ भी उनको कुछ कन्फ्लिक्ट दिखी. तो उन्होंने फिर धीरे धीरे ज्यूइश रिफॉर्म ज्यूइश कल्चर को भी समझने की कोशिश की, बट कुरान भी स्टडी किया. और उसके बाद फिर फाइनली हार्ट में क्या था उनके, पेट्रियाटिज्म, एक देशभक्ति थी. इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं अल्टीमेटली क्या हुआ, ही बिकेम कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूजन फैल गई कि व्हाट इज़ द हिंदू कल्चर और सनातन धर्म है क्या अपने आप में, व्हाट इज़ ऑल अबाउट. और फिर फाइनली बहुत लंबा आर्टिकल है, आप इसको इंटरेस्टेड हो ले लीजिएगा. फिर फाइनली श्री भक्ति हम कहते हैं सफाइस इट टू से दैट द भागवत डिड नॉट अट्रैक्ट द जीनियस ऑफ राम मोहन रॉय. His thought, mighty though it was, unfortunately branched into the Raniganj line of the railway from the barren station of Shankaracharya and did not attempt to be an extension from the Delhi terminus of the great Bhagavata expounder of Nadia. कहने का भावार्थ है कि अगर श्रीमद् भागवतम, इस भागवतम को अगर एक बार देखे होते राजा राम मोहन रॉय किस कॉन्टेक्स्ट में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एज एक्सप्लेन बाय श्री चैतन्य महाप्रभु. महाप्रभु ने इसको एक अमल पुराण के रूप में बताया है, दिस इज एक अमल पुराण है. और सारे शास्त्रों का जो सार है दैट इज श्रीमद् भागवतम इटसेल्फ. लेकिन उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, जो बहुत ही अच्छी लाइन है, ये कहते हैं इट वॉज अनफॉर्चुनेटली ब्रांच लाइक द रानीगंज लाइन ऑफ द रेलवे. अगर आप जाके देखेंगे गोद्रमदेव की कंस्ट्रक्शन को तो वहाँ पर जो रानीगंज लाइन है दैट इज सेपरेट लाइन फ्रॉम द मेन लाइन. तो शुरुआत तो एक अच्छे जगह से की थी लेकिन लाइन पूरी कट गई और रानीगंज लाइन जाके आगे डेड एंड होती है, खत्म हो जाती है, उसके आगे कुछ नहीं आता है. तो भक्तिवेदांत ठाकुर का कहना है कि अगर वो मेन लाइन पर रहते तो आगे तक पहुँचते. तो फाइनली जो द ग्रेट एक्सपाउंडर ऑफ नदिया श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके दिए हुए अर्थों को, उनके दिए हुए तात्पर्य को अगर पढ़ते तो रिलीजन या इन भावार्थों को बहुत अच्छे शब्द में समझ सकते हैं. फिर आगे कह रहे लास्ट में, वी डू नॉट डाउट द प्रोग्रेस ऑफ टाइम विल करेक्ट द एरर एंड बाई द फर्दर एक्सटेंशन द ब्रांच लाइन विल लूज इट सेल्फ समवेयर इन द मेन लाइन ऑफ प्रोग्रेस. वी एक्सपेक्ट दिस अटेम्प्ट्स इन एबल रिफॉर्मर्स ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ राम मोहन रॉय, कि कुछ समय बाद इसमें प्रॉपर चेंजेस आएंगे. ये प्रसंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम भागवतम के कॉन्टेक्स्ट को देखें तो श्रीमद् भागवतम एक्चुअली कोई प्रॉपर ऐसे क्रोनोलॉजी नहीं है कि किसी टाइम फैक्टर से वो समय के उससे आगे बढ़ रही है, या कोई प्रॉपर एक फ्लो नहीं समझ में आता कई बार अगर. लेकिन इसको बहुत ध्यान से देखें तो एक्चुअली ये भागवतम जो है ये शिवदेव गोस्वामी की रियलाइजेशंस हैं जो उन्होंने अलग 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 शास्त्रों से पढ़ के, शास्त्रों से सुन करके उन्होंने यहाँ पे प्रेषित महाराज को सुनाना शुरू किया. यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारम एकम, दैट इज़ वॉट द भागवतम इज ऑल अबाउट, कि यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारम एकम. खुद उसकी अनुभूति की शिवदेव गोस्वामी ने और अनुभूति करने के बाद उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया. रियलाइजेशंस किसी भी व्यक्ति की अगर देखें तो वो नाना प्रकार की हो सकती है. कई बार लगता है कि रियलाइजेशंस क्या होती हैं, क्या चीज़ है रियलाइजेशन ऑल अबाउट. तो शुद्ध गोस्वामी जब अपनी इन टीकाओं को शुरू करते हैं बोलना, उससे पहले उन्होंने बड़ा एक अच्छा लाइन बताया है. वो कहते हैं कि जो भगवत भक्त होते हैं, जैसे बता रहे हैं यहाँ पे कि हे सूर्य के समान शक्तिशाली ऋषियों, मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार
विष्णु की दिव्य लीलाओं का के वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर तक उड़ सकते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं कि ये इंडिविजुअल वैरी करता है कि किसमें कितनी अनुभूति का स्तर है, उस अनुभूति के स्तर के आधार पर वो भगवान की व्याख्या कर सकता है। वही चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जब बीच बीच में ये पॉज दे रहे हैं, बीच बीच में जब ये पॉज दे रहे हैं कि इस स्टोरी में ये है, इस स्टोरी में ये है, स्टोरी में ये है, तो सब में एक ही चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है कि वहाँ पे उस प्रसंग में भक्ति की महिमा को स्थापित करना कि व्हाट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ भक्ति, भक्ति ग्रेटनेस क्या है। जैसे विशुक्षी का एग्जाम्पल पीछे आता है, उन्होंने श्राद्ध में अर्पित करने वाला वो खाया था, मांस खा लिया, तो इससे उनके पिताजी ने उनका तिरस्कार कर दिया। लेकिन तिरस्कृत होने के बावजूद विचुक्षी ही आगे जाके राजा बने। एक्चुअली तीन चार कुछ ऐसे अगर आप देखें श्लोकों के बाद आप देखेंगे जो पूरी वो आती है वंशावली, उसमें जो नेक्स्ट किंग थे विचुक्षी ही थे और कोई नहीं था। तो फिर लेकिन रिजेक्ट करने के बावजूद कैसे बन सके, तो वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी इस कंटेक्स्ट में बताते हैं दैट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ हिज प्योर डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड, भगवान के प्रति जो उन्होंने अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस की, विशुद्ध भक्ति की, उसके कारण ही ये चीज़ संभव हो पाई। सेम चीज़ यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं इन 1-6 के ट्रांसलेशन में, वहाँ पे ये सुखदेव गोस्वामी इस एस्पेक्ट पे बल दे रहे हैं कि शुद्ध भक्ति ही एक्चुअली पूरे पूरे भागवतम का एक सार है। आज के तात्पर्य और आज के जो वर्स है ये बड़ा ही रोचक तात्पर्य है। इसमें विश्वामित्र तथा वशिष्ठ दोनों के बारे में बताया गया है। विश्वामित्र का इतिहास आप दो जगह प्राप्त करते हैं, एक रामायण में बालकांड में और दूसरा महाभारत के शुरुआत के आदि पर्व में मिलता है। और दोनों स्टोरीज वैसे भक्त वगैरह इससे अवगत होंगे लेकिन एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली स्टोरी इस प्रकार थी कि विश्वामित्र मुनि अब एक गाधी के पुत्र थे। सन ऑफ गाधी, और वो एक बहुत ही राइशियस मतलब बहुत ही शक्तिशाली क्षत्रिय थे। और वो अपनी एक औक्षणी सेना के साथ बड़े जंगल में ट्रैवल कर रहे थे पूरी पृथ्वी का। इस समय उन्होंने मुलाकात की ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से, और वशिष्ठ के जब उन्होंने कुटिया में गए तो वशिष्ठ की कुटिया में जाके उन्होंने वशिष्ठ को प्रणाम किया। वशिष्ठ ने फिर देखा कि इस राज्य का जब राजा आया है तो उन्होंने अपना पूरा अच्छे से खातिरदारी करने की कोशिश की उनकी, और जब खातिरदारी करने की पूरी कोशिश की तो उन्होंने उनके पास कामधेनु गाय थी, उसका नाम सबाला था, और फिर उस गाय ने बहुत ही बढ़िया एक फीस्ट तैयार किया। और वहाँ पे जितने भी सैनिक वगैरह थे राजा के साथ उन सबको बहुत ही अच्छा एक फीस्ट का वो दिया उन्होंने सर्विंग की। इसके बाद जब विश्वामित्र ने ये देखा कि जो ऑपुलेंस है, जो ऐश्वर्य है वशिष्ठ का, ये इतना अच्छा है कि खाली एक गाय होने के बावजूद, खाली एक गाय वो सारी नीड्स हमारी फुलफिल कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा विश्वामित्र से कि एक्चुअली जो राज्य होता है उस राज्य का जो सारा का सारा संपत्ति होता है वो राजा को बिलोंग करता है, तो इसीलिए आपको जो चाहिए मेरे से ले लो, आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, कुछ भी चाहिए मेरे से ले लो, लेकिन मेरे को ये गाय वापस कर दो, गाय दे दो। तो वशिष्ठ ने मना किया कि नहीं, गाय मैं नहीं दे सकता, मेरे पास ये एक धन है मेरा तो गाय नहीं दे सकता। बट विश्वामित्र थोड़े फोर्सफुल हो गए, बोले नहीं ये गाय मुझे चाहिए और मैं इसको लेके ही जाऊँगा। तो उन्होंने उसको रस्सी से बांधा गाय को और बहुत ही ज़ोर से खींचते हुए लेके जाने लगे। जब ऐसे वो गाय जा रही थी बाला, तो उसने वशिष्ठ की तरफ देखा और बोला कि आप मुझे रक्षा दीजिए, रक्षा प्रदान करिए। वशिष्ठ ने बोला कि मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं आपको रक्षा प्रदान कर सकता हूँ। लेकिन सबला ने परमिशन मांगी, बोला कि अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं इस विश्वामित्र को अपने जो तेज है उसे ख़त्म कर सकती हूँ, अगर इफ़ यू अलाउ। तो इन्होंने अलाउ किया विश्वामित्र, वशिष्ठ ने अलाउ किया सबला को, और जो सबला थी उसने अपने 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 अलग अलग अंगों से शरीर के क्या करना शुरू किया, बहुत ऐसी ऐसी रेसेस को जन्म दिया, ट्राइब्स को, रेसेस को जन्म दिया, जो बहुत ही फियर्स बैटल हुआ वहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त युद्ध हुआ वहाँ पे। और बताते हैं कि विश्वामित्र के जो 100
पुत्र थे वो इस युद्ध में मारे गए, पूरी तरह से एक राख में कन्वर्ट हो गए। इतना सब युद्ध होने के बाद विश्वामित्र को बहुत बहुत दुख हुआ। उन्होंने क्या किया आगे, विश्वामित्र ने फिर तपस्या शुरू की और तपस्या में उन्होंने भगवान शिव का ध्यान लगाया। और शिव जी को जब उन्होंने प्रसन्न किया अपनी तपस्याओं से, तो फिर उन्होंने उनसे वरदान में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र मांगे जिनसे वो युद्ध कर सकें। वापस गए वशिष्ठ के आश्रम में और फिर उन्होंने बहुत ही जोर शोर से अटैक शुरू किया कि भाई इसने पिछली बार हराया था मेरे को, इस बार मैं इसको फिर से मारूंगा। और फिर से युद्ध जब शुरू हुआ तो फिर से ये वशिष्ठ जी ने इस बार उसको अपोज किया, कामधेनु के थ्रू नहीं बल्कि उनके पास एक ब्रह्मदंड था, उस ब्रह्मदंड से उन्होंने किया। और ब्रह्मदंड का इतना तेज था कि बताते हैं कि जितना भी विश्वामित्र वेपन्स मार रहे थे वशिष्ठ को, वो वेपन्स बिल्कुल नेस्त नाबूद हो जा रहे थे। और वशिष्ठ के शरीर से बताते हैं एक एक रोम के कूप से क्या हो रहा था कि इतना तेज इतनी अग्नि निकल रही थी कि सारे के सारे अस्त्र शस्त्र बेकार हो जा रहे थे और सारे के सारे जो सैनिक वगैरह भी आए थे विश्वामित्र के साथ वो भी मर गए। ये दूसरी बार हारने के बाद, ये दूसरा युद्ध जब हार लिया विश्वामित्र ने, तो उनको एक चीज़ समझ में आई थे और सूर्यवंश में आते थे, और उन्होंने वशिष्ठ को अप्रोच किया था कि वो इसी देह में स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन वशिष्ठ ने मना कर दिया कि इसी देह में आप ऊपर नहीं जा सकते। तो त्रिशंकु ने अप्रोच किया वशिष्ठ के 100 पुत्रों को कि मेरे को आप लोग यज्ञ के द्वारा क्या करिए, ऊपर के लोकों में भेजिए। बट 100 पुत्रों ने कहा कि जब हमारे पिताजी ने मना कर दिया तो हम कैसे उस चीज़ को सरपास कर सकते हैं, तो इसीलिए आपका हमारे द्वारा यज्ञ किए जाने से जाना संभव नहीं होगा। त्रिशंकु बहुत परेशान, वो घूमने लगे थे उधर। और फिर इसी दौरान में, जैसे यहाँ पे तो एक कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है कि त्रिशंकु को श्राप दिया था, इसमें लिखा हुआ है कि चूँकि उसने विवाह मंडप से एक ब्रह्मपुत्री का अपहरण कर लिया था, इसलिए उसके पिता ने उसे चंडाल बनने का श्राप दिया जो उसे शूद्र से भी नीचे होता है। बट यहाँ रामायण में कॉन्टेक्स्ट आता है कि यहाँ पे श्राप इन ऋषियों ने दिया था। ऋषियों ने क्यों दिया था, क्योंकि त्रिशंकु की जो इच्छा थी कि मैं जबरदस्ती जाना चाहता हूँ, ऋषि इसके लिए तैयार नहीं थे जबरदस्ती भेजने के लिए, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये श्राप दिया गया। फिर वो चंडाल बने और चंडाल बनने के बाद बताया गया कि चंडाल बनने के बाद उनका जो पूरा का पूरा शरीर की कांति है, शरीर के बाल हैं, वो सब झड़ने लगे और शरीर का कांति जो उनका एक गोल्डन कॉम्प्लेक्शन था वो एक ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन हो गया एंड सो फोर्थ। और फिर त्रिशंकु की घटना यही होती है कि विश्वामित्र उनको अपने ब्रह्म तेज से ऊपर भेजने का प्रयास कर रहे थे, इंद्र उसको अलाउ नहीं कर रहे थे, करते करते त्रिशंकु बीच में लटक गए। और बीच में जब लटक गए तो वहाँ पे विश्वामित्र ने अपने तेज से एक इमिटेशन स्वर्ग बना दिया, एक नकली स्वर्ग बना दिया और बना के उनको बताया यहीं पे अब रहो। तो बताते हैं आज भी त्रिशंकु उल्टे लटके हुए हैं, फेसिंग डाउनवर्ड्स, उनका चेहरा जो है फेसिंग डाउनवर्ड्स है। इस चीज़ को लेकर फिर विश्वामित्र और वशिष्ठ में फिर एक झगड़ा शुरू हुआ, ये तीसरा बार शुरू हुआ इनके बीच में। और फिर इस युद्ध में खासियत ये थी कि इस युद्ध में सारे के सारे देवता गण भी मौजूद थे युद्ध को देखने के लिए ऊपर से, और सारे के सारे इस मैच को देख रहे थे कैसे दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। और जब फाइट शुरू हुई तो वशिष्ठ इस बार विद्रोह करते हैं तो कहते हैं कि आपको, विश्वामित्र को बोलते हैं कि आपको कोई अधिकार नहीं है ब्रह्मऋषि बनने का, ब्रह्मऋषि बनने की आपकी योग्यता नहीं है। फिर युद्ध होता है, फिर तीसरी बार भी हारते हैं विश्वामित्र, हारना स्वाभाविक था। फिर विश्वामित्र से रहा नहीं जाता है, विश्वामित्र फिर तपस्या करने जाते हैं। तपस्या करने जाते हैं तो वहाँ पे मेनका मिलती हैं, मेनका के साथ वो करीब 10 साल संग करते हैं। इससे बड़ा पश्चाताप होता है उनको कि 10 साल मैंने अपना जीवन का बर्बाद कर लिया इनके साथ। फिर वो वापस आते हैं, फिर तपस्या शुरू करते हैं, फिर तपस्या से प्रसन्न करते हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी आते हैं, लेकिन फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं अभी आपको ये पद नहीं मिल सकता। इसलिए पद नहीं मिल सकता क्योंकि अभी तक आपने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया, आपको वो इंद्रियां वश में करना और शुरू करना पड़ेगा। जब ये शुरू करते हैं फिर से तपस्या, तो दो लोग, एक व्यक्ति हमेशा घबरा जाता है किसी की तपस्या से, वो इंद्र। तो इंद्र को बहुत घबराहट होने लगी कि ये फिर तपस्या कर रहे हैं, कहीं ये मेरा पद प्राप्त करने की तो इच्छा नहीं है इनके अंदर। तो इंद्र और कामदेव एक ड्यूअल जोड़ी बनाते हैं, दोनों पक्षी बन के जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग इनको सेड्यूस करेंगे, इनको विश्वामित्र को, और रंभा को भेजते हैं कि इनको सेड्यूस करने के लिए।
लेकिन क्या होता है वहाँ पे कि इनका विश्वामित्र का क्रोध इतना बढ़ जाता है कि अपने क्रोध से वो रंभा को भस्म कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं. फ्लेयरिंग विद एंगर विश्वामित्र रोड, यू फुलिश वुमन, यू न्यू आई वॉज परफॉर्मिंग ऑस्टेरिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग माई सेंसेज, तब भी आपने वो करने की कोशिश किया, इसलिए मैं आपको वो करता हूँ. यहाँ भी उनका एक बार मात, फिर 10,000 साल फिर तपस्या उनकी शुरू होती है विश्वामित्र मुनि की, और बहुत दुख होता है उनको. इस बार दुख किस चीज़ का होता है, इस बार दुख किस चीज़ का होता है कि तपस्या के दौरान उन्होंने क्रोध कर दिया, क्रोध कर दिया. ये एक और बहुत बड़ा पश्चाताप उनको होता है. और इसके बाद इतनी साल तपस्या करने के बाद, क्रोध को कंट्रोल करने के बाद, फिर ब्रह्मा जी आते हैं. और तपस्या इतनी भीषण थी उस बार कि उनके बताते हैं मस्तिष्क से पूरा का पूरा धुआं निकलने लगा, और इतना धुआं इतना तेज था कि पूरे पूरे संसार में ये फैल गया. जैसे हिरण्यकश्यप की तपस्या हम सुनते हैं, उससे सिमिलर ये तपस्या बताई गई. और फिर इसके बाद ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी उनको फाइनली ब्रह्म ऋषि का वो देते हैं, वरदान देते हैं. लेकिन इसमें एक चीज़ ये होती है कि इतनी तपस्या करने के बाद विश्वामित्र का इतना शुद्धिकरण हो चुका होता है कि वो वशिष्ठ के पास जा करके क्षमा याचना करने को तैयार हो जाते हैं कि क्षमा याचना. और वो जो क्षमा याचना करने जाते हैं तो वशिष्ठ भी एक उदार हृदय प्रकट करते हुए उनको क्षमा कर देते हैं. अब ये चीज़ बहुत सिग्निफिकेंट है कि श्री प्रभुपाद जी भी इस चीज़ को बता रहे हैं कि क्षमा करना, क्षमा याचना एक बहुत ही डिवाइन क्वालिटी है. ये हर किसी के अंदर नहीं हो सकती, बहुत ही मुश्किल है. कहने का अर्थ है, पहले तो क्षमा मांगना ये बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है, क्षमा मांगना जिससे हमने झगड़ा किया हो, जिससे लड़ाई की हो. और दूसरा, दूसरे व्यक्ति जिसके साथ इतना आघात हुआ हो वो दूसरे को क्षमा कर दे, ये भी बहुत ही मुश्किल होता है. बहुत ही उदार और बड़ा हृदय चाहिए इसके लिए, दूसरे को क्षमा करने को लेके. इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो एक, वैसे ये एक थोड़ा सा भौतिक उदाहरण है. ये एक स्टोरी आती है, एक शेक्सपियर एक बहुत बड़े राइटर थे जिन्होंने अंग्रेजी में बहुत से नावल लिखे हैं उन्होंने. तो उनके एक नावल है, उसका नाम था मर्चेंट ऑफ वेनिस करके. तो उस मर्चेंट ऑफ वेनिस में वैसे बहुत से किरदार थे, तीन प्रमुख किरदार थे उसमें, एंटोनियो, शाइलॉक और पोर्शिया, जो एक लॉयर का काम की थी. तो बहुत लंबी स्टोरी थी. उसमें इतना था कि एंटोनियो ने अपने एक फ्रेंड को वो दिया था, उधार में कुछ पैसे दिए थे. उधार लिया किससे था, अपने कट्टर दुश्मन से, शाइलॉक से. और जब उन्होंने ये उधार लिया अपने कट्टर दुश्मन शाइलॉक से, तो वहाँ पे एक कंडीशन रखी गई. कंडीशन क्या थी कि इस समय के अंतराल में अगर एंटोनियो इतना पैसा नहीं दे पाता है तो आई हैव द राइट, मेरे पास अधिकार है कि मैं उसके शरीर से कुछ पाउंड्स, 10 पाउंड या 20 पाउंड्स, कुछ भी जो भी क्वांटिटी थी 1 पाउंड, उतना मांस मैं निकाल लूँगा अगर उसने इतने समय मेरे को पैसे नहीं दिए और समय सीमा बांध दी. हुआ क्या कि एंटोनियो का उतना अच्छा नहीं चला व्यापार वगैरह, काफ़ी लॉस हुआ. और जब समय वो हो गया ख़त्म, तो उनके पास पैसे भरने को नहीं थे, तो ये मुकदमा कोर्ट में गया. पहले के समय खास करके क्रिश्चियंस और ज्यूस में काफ़ी एक आपस में वो रहती थी, एक तरह की फाइट रहती थी. तो शाइलॉक और जो ज्यू एक यहूदी थे, लेकिन जो एंटोनियो थे एक ईसाई थे, तो काफ़ी इनके आपस में वो थे, मतभेद थे. तो आगे क्या होता है कि जब कोर्ट में पहुंचता है पूरा का पूरा केस, तो वहाँ पे शाइलॉक बोलता है कि भाई इसने पूरा नहीं किया, अब तो मैं बदले की भावना से इसके शरीर से 10 पाउंड या हो सकता है एक पाउंड रहा होगा, 1 पाउंड मांस निकालूंगा. तो वहाँ पे जो एंटोनियो की जो वकालत कर रही थी, दैट वॉज अ लेडी, पोर्शिया नाम था उसका, तो उसने बहुत ही अच्छा एक मर्सी के ऊपर एक बड़ा अच्छा प्रसंग बताते हैं कि कृपा के ऊपर बताया उन्होंने कि एक्चुअली हमें कितना क्षमाशील होना चाहिए, दूसरे को क्षमा करने की शक्ति होनी चाहिए. क्योंकि अगर क्षमा करने का हमारे अंदर ये भाव नहीं रहेगा, तो कहते हैं फॉरगिवन आर दोस हु फॉरगिव अदर्स, है ना, फॉरगिवन आर दोस हु फॉरगिव अदर्स. वही लोग क्षमा के पात्र हैं जो दूसरों को क्षमा कर सकते हैं. कहने का अर्थ है, ऐसा नहीं है कि गलतियां खाली हमारे सबॉर्डिनेट से होती है, गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, लेकिन अगर हम ये क्षमा करने का भाव हमारे अंदर नहीं है, तो कल को हमारे साथ अगर कोई गलती होती है तो हमें कौन क्षमा करेगा. डेट वॉज द थिंग. तो आगे प्रसंग बढ़ता है, तो वो जिद्दी रहता है, बोल नहीं, इससे तो मैं
इसके एकदम हार्ट के किनारे से, हृदय के एकदम बीचों बीच से एक पाउंड मांस निकाल के ही रहूँगा, ये तो मैं करके ही रहूँगा, कोई कुछ भी कर ले। वो बहुत समझाती है कि नहीं आप क्षमा कर दीजिए इसको, ठीक है पैसे तो हम दे देंगे आपको कुछ टाइम में, लेकिन इसको एक बार क्षमा कर दीजिए आप। नहीं क्षमा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं क्षमा कर सकते। फिर बोले ठीक है आज आप क्षमा नहीं कर रहे हैं ना, तो ये तैयार रहिएगा कि कल को आपके भी क्षमा नहीं होगी, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पे क्षमा नहीं होगी तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो मैं इसको क्षमा नहीं कर सकता बिल्कुल, ठीक है। अब क्या होता है आगे, अब पूरा केस पलटता है। उन्होंने बोल दिए हैं कि ये जो पेपर्स हैं जिनमें आपने ये पूरा का पूरा दस्तावेज लिखा है, इसमें आपने डिमांड किया है कि एक पाउंड आपको मांस चाहिए, हम देने को तैयार हैं, लेकिन शर्त क्या है कि जब आप एक पाउंड निकालें मांस तो उससे एक बूंद खून भी नहीं निकलना चाहिए। अगर एक बूंद खून टपका तो आपकी इतनी इतनी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी। हाँ वो फंस गया, वो बोला तो पूरा गेम उल्टा हो रहा है। फिर उसने अगला बोला कि एक पाउंड से 100 ग्राम भी ज़्यादा हुआ या 50 ग्राम भी ज़्यादा हुआ, थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो इतना इतना सीज कर लिया जाएगा। और फिर आपने लिखा एक कट, कहने का मतलब एक कट में ही निकालना है आपको, अगर दूसरा कट मारा आपने तो इतना इतना हो जाएगा। ऐसे करते करते लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंसा दिया। अब उसको लगा अगर मैं एक पाउंड फ्लैश निकाल भी लेता हूँ इसको मार के तो अंततः मेरे पास क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, एक पाउंड फ्लैश और सारी प्रॉपर्टी सीज हो चुकी है, सब कुछ खत्म। और फिर जो शाइलॉग था वो फॉरगिवनेस बैक किया, वो क्षमा मांगा कि भाई मेरे को क्षमा कर दीजिए। तब वहाँ पे एक बहुत उदार व्यक्तित्व तो दिखाते हैं कि एंटोनियो जो होता है वो क्षमा करता है। तो पॉइंट इज कि फॉरगिवन आर दोस हु फॉरगिव अदर्स, जिनके अंदर ये दूसरों को क्षमा करने की वो होती है, प्रवृत्ति होती है, वही एक्चुअली ना क्षमा के पात्र भी होते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरगिवन आर दोस हु फॉरगिव अदर्स। इसके अलावा इस कंटेक्स्ट में श्रील प्रभुपाल एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच कर रहे हैं अपने पर्पट में। ये कह रहे हैं कि जैसे कि ये सब संसार है, ये बहुत ही आपका इज अ टॉटरिंग, इज लाइक एक कमल के दल पे जो बूंद होती है पानी की ना, उसके समान कभी भी कुछ भी हो सकता है, पदम पदम यत विपदम। ऐसे उदाहरण दे रहे हैं कि जो हमारे ये थे महान योगी खास करके सौभरी, उन वो खाली काम वासना के द्वारा शिकार होके उनका पतन हुआ। और वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महर्षि ब्रह्म ऋषि, हाँ बहुत बड़ी चीज़ थी, इतने साल तपस्या करके ब्रह्म ऋषि का स्तर प्राप्त किया विश्वामित्र ने, और सेम वशिष्ठ भी उसी स्तर पे थे, लेकिन क्या हुआ, खाली एक छोटी सी चीज़ दक्षिणा, दक्षिणा को लेकर लड़ाई हो गई कि आपस में दक्षिणा को लेकर कि हरिश्चंद्र जो थे उनकी दक्षिणा पूरी की पूरी विश्वामित्र ने ले ली, तो वशिष्ठ को अपना थोड़ा असुरक्षा महसूस होने लगा कि भाई मैं पुरोहित हूँ इनका और सब कुछ यही ले जाएगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा। और इस पर उनका झगड़ा उठा, और झगड़ा उठा तो कहते हैं जो जब क्रोध होता है किसी व्यक्ति को ना तो उसका मुंह ज़्यादा तेज काम करता है उसके मन से, उसका मुंह जो है उसके मन से ज़्यादा तेज कार्य कर रहा होता, उसको पता नहीं होता वो क्या कर रहा है क्या बोल रहा है। और वही हुआ, दोनों ने एक दूसरे को श्राप देना शुरू कर दिया। क्या श्राप दे दिया, एक ने बोला भाई तुम पक्षी बन जाओ, और दूसरे ने श्राप दिया कि तुम बतख बन जाओ, एक बतख और एक पक्षी बन गए। इसके बाद श्री प्रभुपाद बताते हैं कि जो संसार है ये पदम पदम यत विपदम नतेशम, कहने का अर्थ है इस संसार में पल पल पग पग पर समस्या ही समस्या है। ज्ञान का जो स्तर है, कहते हैं इवन कृष्ण भगवान एक्सप्लेन करते हैं 13वें अध्याय में कि 18 एस्पेक्ट्स बताते हैं ज्ञान के, 18 एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, तो उसमें एक एस्पेक्ट बताते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि अगर हम सही में ज्ञान के स्तर पे हो ना तो हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए कि जीवन की बहुत बड़ी समस्या है, अनुदर्शनम है ना, अनुदर्शनम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, इन चारों चीज़ों को देखना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये चार चीज़ें हमें प्रभावित नहीं करेंगी, चार चीज़ें हमें भी प्रभावित करेंगी, हाँ जरा व्याधि बुढ़ापा बीमारी, हाँ बुढ़ापा बीमारी मृत्यु ये सब हमें भी प्रभावित करेंगे, तो इनको दर्शन लेना चाहिए, कहने का अर्थ है कि इनको देखना चाहिए और इस हिसाब से अपने जीवन के जो कोर्स हैं उनको अच्छे से रखना चाहिए। क्योंकि अगर ये जब चीज़ नहीं दिखती ना तो खास करके लाइफ बहुत कॉम्प्लेसेंट हो जाती है, इस टू कॉम्प्लेसेंट कॉम्प्लेसेंसी बहुत हो जाती है, तो लगता नहीं कि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा या हम इससे मुक्त हैं, नहीं ये चीज़ें हमारे साथ होनी है। जैसे स्टूडेंट्स वगैरह जब प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम की तो आपस में पूछते हैं कि मेरा ये एग्ज़ाम है तो
हमने कितना यूनिट पढ़ लिया इसको लेके मतलब 10 यूनिट्स आपको एग्जाम में प्रिपेयर करना है तो उसमें से 5 यूनिट तैयार कर लिया आपने 6 यूनिट तैयार कर लिया आपने तो कितना प्रिपरेशन कर लिया. सिमिलरली एवरीबॉडी हैज टू फेस एन एग्जामिनेशन. हर किसी को एग्जाम जरूर देना है और दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ डेथ. अब समस्या क्या है इस एग्जाम के साथ, इसका स्थान नहीं पता है पहला तो, इसका जो समय है वो नहीं पता है, इसमें क्या प्रश्न पूछे जाएंगे ये नहीं पता है, और किस प्रकार से होगा ये भी नहीं पता है. Nobody knows it. एक तरह से सरप्राइज टेस्ट है पूरा, कब होगा कहाँ होगा कुछ भी नहीं पता इसके बारे में. लेकिन ये श्योरिटी है कि होगा ये श्योरिटी है कि होगा ही होगा, डेट्स फॉर श्योर. तो एक मेधावी छात्र होते हैं ना वो हर समय इसकी तैयारी में लगे रहते हैं, तो इसीलिए हम भी कभी मिलें तो आपस में ज़रूर एक बार पूछ सकते हैं कि प्रभु आपकी मृत्यु की तैयारी कैसी चल रही है मृत्यु की तैयारी कैसे चल रही है. थोड़ा अटपटा से लगेगा, बड़ा एक निराशावादी शब्द हैं ये कैसी हैं, लेकिन सत्य तो यही है कि भाई आपकी तैयारी कैसी चल रही है मृत्यु की, कितनी तैयारियां कर ली हैं आपने मृत्यु को लेके. तो बड़ा ब्लैंक सा आंसर होता है, क्या तैयारी तो समझ नहीं आई, क्या तैयारी क्या करें इसमें, सब चल रहा है चलते जा रही हैं चीज़ें चल रही हैं, तो ज़्यादा सोचना क्या इस विषय पर, साधना भक्ति कर रहे हैं चलती रही भगवान संभालेंगे. तो अच्छी बात है, श्रद्धा अच्छी है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि हर कोई भगवत धाम जाएगा. ऑब्वियसली अगर इसको फॉलो करते हैं तो जरूर जाएंगे पूरे एंड ऑफ लाइफ तक, लेकिन पॉइंट है कि ऑब्वियसली हमें कॉन्शियस होना चाहिए कि ये सब दुख है, जीवन के दुख हैं. और फिर फाइनली प्रभुपाद पदम पदम यद विपदम नतेशम, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस दुनिया में पद पद पे संकट है, पद पद पे समस्याएं हैं. तो इस चीज़ को भी बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि पदम पदम यद विपदम, कि हमें जब भी संसार में रहें तो वी शुड नॉट हैव अ कंप्लेसेंट एटीट्यूड. और बस फॉरगिवनेस से मैं एक लास्ट पास्ट टाइम शेयर करके विराम दूंगा. इसमें प्रभुपाद अपने एक बहुत ही अच्छे उदाहरण से बताते हैं कि कैसे हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए, क्षमा याचना रखनी चाहिए. क्योंकि प्रभुपाद एक ऐसा मूर्तिमान रूप हैं जिन्होंने इस फॉरगिवनेस के प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा अपने जीवन से दिखाया, कैसे दूसरों को क्षमा करना चाहिए. तो एक बार की एक बात है कि कलकत्ता के पास प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल थे, वो रह रहे थे, और समवॉट दुसंगति गलत संग के कारण उन्होंने इंटॉक्सिकेशन नशा शुरू कर दिया था, कुछ गांजा या चरस लेना शुरू कर दिया था. तो प्रभुपाद उस समय बॉम्बे में थे और तमाल कृष्ण महाराज उनके साथ थे. तो तमाल कृष्ण महाराज को एक फ़ोन आता है कलकत्ता से और बताते हैं कि जो आपके ये डिसाइपल हैं इन्हों को कलकत्ता के पास एक जगह देखा गया जहाँ वो कुछ नशेड़ियों के साथ बैठ के गांजा पी रहे हैं, और इसके क्या करना चाहिए, व्हाट्स योर इंस्ट्रक्शंस प्रभुपाद ऑन दिस. तो तमाल कृष्ण महाराज ये बात पूरी प्रभुपाद को बताते हैं. तो प्रभुपाद बोलते हैं उसको बोलो कि अगर उसने गांजा पीना नहीं छोड़ा तो उसका मैं तिरस्कार कर दूंगा, अगर मैंने तिरस्कार किया तो कृष्ण कभी स्वीकार नहीं करेंगे एटर्निटी तक उसको. तो ये बात जब बोली गई तो तमाल कृष्ण महाराज ने आज ही डिसकम्युनिकेट कर दिया कलकत्ता से जो फ़ोन आया था, उन्होंने बोला कि इसको. तमाल कृष्ण महाराज को बड़ा कन्फ्यूजन हो गया, उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद ऐसा कैसे कह सकते हैं, प्रभुपाद तो हमारे स्पेशल मास्टर हैं कि कैसे तिरस्कार कर सकते हैं अपने शिष्य का, ये संभव तो नहीं है तिरस्कार करें अपने शिष्य का. लेकिन प्रभुपाद से फिर उन्होंने पूछा तमाल कृष्ण महाराज, प्रभुपाद यू सेड यू विल रिजेक्ट हिम, अब उसको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन ये कहीं से अपील नहीं करता, कैसे आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं. प्रभुपाद ने बोला किसने बोला ये, बोला अभी तो बोला आपने, बोला नहीं नहीं वो तो खाली उसको डराने के लिए बोला था, क्योंकि मैं उसको तिरस्कार नहीं कर सकता, कैसे तिरस्कार करूँगा, उसका तिरस्कार कर दिया तो भगवान कैसे स्वीकार करेंगे उसको. तो तमाल कृष्ण महाराज शॉक्ड हो जाते हैं, बोले मतलब प्रभुपाद मतलब मर्सी की कोई लिमिट है कि नहीं, कितना कृपा करेंगे, मतलब वो इतना पुराना भक्त है, इतना कुछ उसने किया, उसके बाद वो ऐसी हरकतें कर रहा है, उसके बावजूद आप उसको क्षमा कर दे रहे हैं, तो कोई लिमिट है कि नहीं मर्सी की. तो प्रभुपाद कहते हैं मर्सी इज़ अनलिमिटेड, जो कृपा है उसका कोई अंत नहीं होता है. ये नित्यानंद प्रभु के एग्जाम्पल से दिखता है कि नित्यानंद प्रभु सारे पापी तापी जितने थे सबके उद्धार के लिए उन्होंने ये अपनी जितनी लीलाएं की भगवान नित्यानंद प्रभु ने, वो सारी लीलाएं यही थी कि उन्होंने जितने भी पापी तापी थे सबको उद्धार किया. तो गुरु परंपरा इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आदि गुरु नित्यानंद प्रभु. तो इसीलिए गुरु परंपरा का भी ये पूरा करते हुए रहता है कि हाँ वो क्षमा कर देंगे, लेकिन हाँ क्षमा कब करेंगे, जब हम दूसरों को क्षमा करने का हम एक वो इनिशिएटिव लें. तो मैं यहीं पे विराम दूंगा, 9 बज गए. श्रील प्रभुपाद की जय. गंत्रा श्रीमद्भागवतम की जय. किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी हो तो बोल सकते हैं.
जैसे कि मैंने भी पढ़ा इसको तो मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था इसको लेकर कि अब तक कैसे उल्टा लटके हुए हैं, लेकिन ब्रह्मांड में तो यही बता रहे हैं कि उल्टा ही लटके हैं और जो प्लैनेट बनाया उन्होंने इट इज़ इमिटेशन ऑफ हेवनली प्लैनेट्स, बताया कि वो स्वर्ग का ही इमिटेशन बनाया है और उल्टे क्यों लटके हैं कि दो फोर्सेज ऐड कर रही हैं हमेशा के विश्वामित्र मुनि नीचे से अपना तपोबल से उसको धक्का दिए हुए हैं और इंद्र ऊपर से धक्का मार रहे हैं कि भाई ऊपर नहीं आने देंगे, इस शरीर में संभव नहीं है आपको आना, तो लटके हुए हैं। इसकी थोड़ी डिटेल में और जाके देखना पड़ेगा कहाँ पर, बट रामायण में जो मैंने पढ़ा उसमें यही कि लटके हुए हैं ये बताया। जिससे मुझे आपने बताया था कि निभावतम जो है या स्वामी भावम के शुद्ध सारा में कम शुद्ध गुरु स्वामी के लिए ईश्वर है, तो इससे और इससे अगर राम मोहन रॉय का भी एग्जाम्पल आया जिस भक्ति रोड ठाकुर बताया उसके बारे में, तो मेरा प्रश्न ये है गुरु जी की इस टाइप में जैसे कि कलयुग में जैसे कि सारे सब लोग डिविशन में सिक्स वर्ड है जैसे कि तो अभी अब कितना जो ज्यादा हम टीचिंग करते हैं अभी तो कितना हमारा रिलेशन होना चाहिए और उस रिलेशन को यानी को पूरे सिद्धांत से कि तब मिल के चलता है चलता इसका क्या मापदंड कि जो कि मतलब कि रिवीजन का ये जो सिद्धांत नाम है तो ऐसे थोड़ा सा अलग से बात कर रही क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं प्रिपेयर जब कर रहा था तो 118-23 का वर्स जब देखा तो उसमें अगर उसको खाली उसी पर्टिकुलर वर्ड्स को अगर पढ़ें तो उसमें बता रहे हैं शुद्ध गोस्वामी कि हर भक्त की अपनी रिलेशन है, उसी रिलेशन के हिसाब से भगवान को एक्सप्लेन करते हैं। उसी समान है जैसे पक्षी की जितनी योग्यता है उतनी उड़ पाएगा। तो जब ये वर्ड्स पढ़ा तो मेरे को खुद एक कन्फ्यूजन हुआ कि मेंटल स्पेकुलेशन और रियलाइजेशन में क्या भेद है, दोनों में कोई तो भेद होगा ना कि मेंटल स्पेकुलेशन की तो कोई लिमिट्स नहीं है कितना आप जा सकते हैं ऊपर कितना नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी अपने एक बहुत ही अच्छे तात्पर्य में पहले स्कंद के चौथे अध्याय वो मैं चाह रहा था उसको बताना बट थोड़ा मेरा समय कम हो जाएगा इसलिए उसको मैंने स्किप कर दिया, लेकिन उसको मैं पढ़ता हूँ। वो बड़ा अच्छा बता रहे हैं प्रभुपाद कि पहले स्कंद के चौथे अध्याय के पहले ही वर्ष के तात्पर्य में बता रहे हैं प्रभुपाद, बड़ा अच्छा बता रहे हैं। कह रहे हैं हाँ, आत्मानुभूति का यह अर्थ नहीं होता कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्य का उल्लंघन करें, कोई अपने विद्वता का प्रदर्शन करे उसे पूर्ववर्ती आचार्यों पर पूरा विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ उसे विषय का ऐसा उत्तम ज्ञान होना चाहिए कि वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। विषय के इसको बहुत इटैलिक्स में लिखा है, विषय के मूल उद्देश्य का पालन होना चाहिए, खींचतान कर उसका कोई दुर्बोध अर्थ नहीं निकालना चाहिए, अपितु श्रोताओं को समझने के लिए उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, इसे आत्मसात करना कहा जाता है। सभा के हाँ फिर ये फर्दर आता है, तो पॉइंट इज रिलेशन का यही अर्थ है कि यू डोंट हैव टू डेविएट फ्रॉम द लाइन ऑफ परंपरा। आप उड़िए हवा में, हवाई जहाज हवा में उड़ती है लेकिन उसका एक दिशा होती है कि उसको उतरना एक जगह जाके। तो उसी तरह पक्षी भी उड़ रहे हैं, रिलेशन भी हैं, बट रिलेशन कभी भी पूर्ववर्ती आचार्यों के टीकाओं से अलग नहीं हो सकती। इसीलिए ये जो मैंने कोट किया था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पक्षी ठाकुर कह रहे हैं कि ही डिडेंट रेड द टीचिंग्स ऑफ द ग्रेट एक्सपाउंडर ऑफ नदिया। कहने करते हैं कौन है वो व्यक्ति, श्री चैतन्य महाप्रभु। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने मूलभूत अपने जितने सिद्धांत हैं शिक्षाओं में दे रखा है, तो उनके इंडिपेंडेंट स्टडी करें तो ऑब्वियस है कि वो रिलेशन कहाँ की कहाँ वो रिलेशन होगी कि मेंटल स्पेकुलेशन होगी इसका कोई वो नहीं है। लाइन बननी चाहिए, राइट, ये मेरी समझ है। और कोई प्रश्न? श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राशि भागवतम की जय, गौर पे मनन देव।